Now, good morning to all of you. Today's our topic is the hypothesis. As you know very well, in the machine learning, there are two types of data. There are two types of data we are using for to train the machine, to learn the machine. First is the learning data sets, and second is the testing data sets. तो ये जो डेटा सेट होता है लर्निंग डेटा सेट्स के थ्रू हम लोग उस पर डेटा पर एनालिसिस करके लॉजिक्स कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं और एक मॉडल तैयार करते हैं और उस मॉडल के बेस पर क्या होता है एक प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स हमारे लिए आते हैं. तो ये जो हाइपोथेसिस हमारा टॉपिक है आज का दिस इज रिलेटेड टू द गैसेस दिस इज रिलेटेड टू द प्रेडिक्टेड आउटकम्स व्हाट विल बी द प्रेडिक्टेड आउटकम्स. तो प्रेडिक्शंस हमारे क्या होंगे है ना. तो ये प्रेडिक्शंस के लिए हमें सपोर्ट करता है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस का बेसिक मतलब होता है गैस करना कि हाइपोथेसिस क्या है. बेसिकली इट इज अ फंक्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टारगेट इन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. तो हमारा टारगेट क्या होगा इसको अपन हाइपोथेसिस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं डिसाइड करते हैं या उसको डिस्क्राइब करते हैं. तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस दैट एन एल्गोरिथम would come up of depend upon the data and also depend upon the restrictions and bias that we have imposed on the data. तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो hypothesis होती है it is hypothesis के लिए जो algorithms हम लोग use करने वाले हैं है ना. predictions के लिए जो guesses के लिए जो algorithms हम लोग use करने वाले हैं that is totally depend on the data है ना. तो जो data है हमारे पास उस डेटा पर ही हम लोग डिपेंड हैं, ठीक है ना. अब इसके बाद आते हैं कि व्हाट इज हाइपोथेसिस फंक्शंस इन मशीन लर्निंग. हाइपोथेसिस के लिए कौन से फंक्शंस हम यूज करते हैं. जैसे आप लोग जानते हैं कि स्टैटिक्स हम लोग यूज करते हैं और स्टैटिक्स में हम डेटा पर डिपेंडेंट होते हैं और उसके थ्रू डेटा जो हमारा जनरेट होता है उस डेटा से ही हम लोग एनालिसिस करके कुछ रिजल्ट जनरेट करते हैं है ना. अब ये डिपेंड करता है कि आपने जो मशीन लर्निंग के अंदर जो डेटा यूज किया है वो डेटा का आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप क्या है, क्या उसके अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है, क्या उसके आउटकम्स आ सकते हैं है ना. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टैटिकल हाइपोथेसिस इज एन एक्सप्लेनेशन about the relationship between data population that is interpreted probabilistically. A machine learning hypothesis is a candidate model. Kya hai? It is a candidate model that approximates a target function for mapping it inputs to outputs. Input aur output ke beech ki mapping ke liye apan log hypothesis use karte hain ki hum kya input karenge to hamara kya output aayega. Ek guesses hum kar rahe hain कि हम जो प्रेडिक्शंस लगा रहे हैं कि हमारे प्रेडिक्टेड आउटकम्स क्या आने वाले हैं. इसके लिए एक हाइपोथेसिस एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू अपन ये सारी चीजें निकालते हैं. क्लियर. अब नाउ आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग द हाइपोथेसिस नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस. तो मेरी आवाज भी आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रही है एंड स्क्रीन शेयर मैंने आपको कर दी है. आई थिंक अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे बताइए. नाउ वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस है ना. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. एक मिनट, पीपीटी में थोड़ी प्रॉब्लम है. चलिए ठीक है, अब ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस. गुड मतलब यहाँ पर हम किसको बहुत अच्छी हाइपोथेसिस बोल सकते हैं या क्वालिटी ऑफ हाइपोथेसिस बोल सकते हैं उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहला होता है पावर ऑफ प्रेडिक्शंस. हमें मालूम है कि जो हाइपोथेसिस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द गेसेस. हमारे हम क्या गेस करने वाले हैं, क्या हमारे आउटपुट आने वाले हैं. अगर हमारे प्रेडिक्शंस बहुत अच्छे हैं है ना, वैल्यूएबल हमारे प्रेडिक्शंस अच्छे हैं
तो एक उसे अपन गुड हाइपोथेसिस अपन बोल सकते हैं। उसको एक्सप्लेन हम कुछ इस तरीके से करेंगे, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि पावर ऑफ प्रेडिक्शंस क्या होंगे, कि वन वन ऑफ द वैल्यूबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस इज टू प्रिडिक्ट फॉर फ्यूचर। इट नॉट ओनली क्लियर द प्रेजेंट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बट ऑल्सो प्रिडिक्ट फॉर द फ्यूचर दैट वॉट वुड बी हैपन इन द कमिंग टाइम। ओके, सो हाइपोथेसिस इज द बेस्ट गाइड ऑफ रिसर्च एक्टिविटी ड्यू टू पावर ऑफ प्रेडिक्शंस। बेसिकली हाइपोथेसिस का यूज हम लोग रिसर्च के लिए करते हैं, और रिसर्च में हमारा प्रेडिक्शंस क्या होंगे, क्या होता है जनरली, हम लोग कोई भी हाइपोथेसिस पावरफुल तब माना जाएगा जब वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमारी प्रॉब्लम्स है सिर्फ उनको दूर कर रहा हो, इसके साथ साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसा होगा, फ्यूचर आउटकम्स क्या होगा, फ्यूचर के लिए जो स्ट्रॉन्ग वर्क करें, फ्यूचर की प्लानिंग प्रॉपर करके बताए आपको कि फ्यूचर में आप इस तरह के रिजल्ट्स को कैसे, इस तरह के रिजल्ट्स आप पाएंगे, है ना, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पावर ऑफ प्रेडिक्शंस बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है क्लोजेस्ट टू ऑब्जर्वेबल थिंग्स। हाइपोथेसिस मस्ट हैव क्लोज कॉन्टेक्ट विथ ऑब्जर्वेबल थिंग्स, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइपोथेसिस, गुड हाइपोथेसिस। ओके, एंड इट डज नॉट बिलीव ऑन एयर कैस्टल बट इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, है ना, तो दोज थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स विच वी कैन नॉट ऑब्जर्व फॉर दैट हाइपोथेसिस कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड, सीधी सी बात है ना, तो द वेरिफिकेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल थिंग्स। ओके, तो इस तरीके से ये सेकेंड पॉइंट होता है हमारा, क्लोजेस्ट टू ऑब्जर्वेबल थिंग्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आपका आता है सिंप्लिसिटी। हमारा जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें हाइपोथेसिस के लिए कि गुड हाइपोथेसिस कौन सा होगा, तो वो सिंप्लिसिटी उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है उसकी, कि वो सिंप्लिसिटी होना बहुत जरूरी है। हाइपोथेसिस शुड बी डेवेबल टू एवरी लेमन, है ना, ये पीवी यंग सेज ने बोला है कि हाइपोथेसिस वुड बी सिंपल इफ अ रिसर्चर्स हैज मोर इनसाइट टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। ओके, हाइपोथेसिस शुड बी एज अ शार्प एज रेजर अ ब्लेड, सो अ गुड हाइपोथेसिस मस्ट बी सिंपल एंड हैव नो कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, इसके बाद आता है क्लियरिटी। हाइपोथेसिस मस्ट बी कंसेप्चुअली क्लियर, इट शुड बी क्लियर फ्रॉम एम्बिगस इंफॉर्मेशंस, द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इट बी क्लियर एंड एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन। तो इस तरह से जो भी हाइपोथेसिस के लिए जो एल्गोरिथम्स यूज कर रहे हैं, जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो एल्गोरिथम्स हम लोग यूज कर रहे हैं, वो उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है ताकि आम आदमी या आम पर जो जो जनरल पब्लिक के बीच में वो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर हो, ज़्यादा आसानी से वो लोग समझ पाएँ उस चीज़ को, उस सिस्टम को, है ना। फिर उसके अंदर टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए, है ना, तो गुड हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेड एम्पायरिकली, इट शुड बी स्टार्टेड एंड फॉर्मुलेटेड आफ्टर वेरिफिकेशन द डीप ऑब्जर्वेशंस। ओके, दस टेस्टेबिलिटी इज द प्राइमरी फीचर ऑफ गुड हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर टेस्टेबिलिटी नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये हाइपोथेसिस या जो गेसेस जो हमारे प्रेडिक्टेड आउटकम्स जो आ रहे हैं वो सही हैं या गलत है, है ना। फिर इसके बाद रिलेवेंट टू प्रॉब्लम, ये भी एक गुड हाइपोथेसिस का एक गुड हाइपोथेसिस का एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर में अपन काउंट कर सकते हैं उसको। देन स्पेसिफिक, इट शुड बी फॉर्मुलेटेड फॉर अ पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इट शुड नॉट इंक्लूड जनरलाइजेशन, इफ जनरलाइजेशन एग्जिस्ट देन हाइपोथेसिस कैन नॉट लीड टू द करेक्ट कंक्लूजन्स। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं जो कि किससे रिलेटेड हैं, स्पेसिफिक जो आपके गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइपोथेसिस। ओके, इसके बाद कुछ पॉइंट और भी आते हैं, रिलेवेंट टू अवेलेबल टेक्निक्स, जो हाइपोथेसिस हम लोग यूज कर रहे हैं, जो एल्गोरिथम, जो मेथड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो जो आज की सिनेरियो में जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स अवेलेबल हैं उन टेक्निक्स से कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फ्रूटफुल फॉर न्यू डिस्कवरीज, जो भी हाइपोथेसिस हम यूज कर रहे हैं
वर्क के लिए, मतलब जो भी प्रिडिक्शंस के लिए हम लोग जो हाइपोथेसिस चूज कर रहे हैं वो दूसरी डिस्कवरीज के लिए भी फ्रूटफुल रहा है। फिर इसके बाद कंसिस्टेंसी हार्मोनी, इंटरनल हार्मोनी एंड कंसिस्टेंसी इज अ मेजर कैरेक्टर्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। ओके, इट शुड बी आउटपुट कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर मस्ट बी अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विच वन इज डिपेंडेंट ऑन अदर। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, है ना। अब आप आते हैं, व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, है ना। हाइपोथेसिस आपने समझा, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है गैसिंग करना, या हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि इन फ्यूचर में आप क्या प्रिडिक्ट करने वाले हैं, है ना। मशीन से जो आपने मॉडल तैयार कर रहे हैं, मशीन लर्निंग से अगर इसको रिलेट किया जाए तो हम जो लर्निंग डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं उस लर्निंग डेटा सेट से हम लोग जो क्या बोलते हैं मॉडल बना रहे हैं, और जो मॉडल हमारा बनता है उस मॉडल से हमारे क्या आउटपुट्स आने वाले हैं, वहाँ पर हमारे गैसेस, हमारे प्रिडिक्टेड आउटकम्स क्या होंगे, है ना। तो वहाँ पर हमारी हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस हमारी यूज होती है। हाइपोथेसिस बेसिकली रिसर्च जो लोग करते हैं, पीएचडी करते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज होता था पहले, लेकिन अब आपके बीटेक में भी आई हैं चीज़ें, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक तरह से आपका काम भी रिसर्च से कम नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि हम लोग मशीन को ट्रेंड करते हैं, मशीन के ट्रेंड करने के लिए डेटा सेट यूज़ करते हैं, मशीन के लिए लॉजिक्स क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हमारे प्रेडिक्टेड आउटकम्स आएंगे, तो उसमें आपकी हाइपोथेसिस एल्गोरिथम्स जो होते हैं उनका भी यूज़ होगा। क्लियर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, मेकिंग एन एजम्पशंस कॉल्ड हाइपोथेसिस, वही चीज आ गई, है ना। अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर्स, ओके, कलेक्टिंग सैंपल डेटा, कैलकुलेटिंग अ सैंपल स्टैटिक, यूजिंग द सैंपल स्टैटिक टू एवेल्यूट द हाइपोथेसिस, है ना। जो सैंपल डेटा स्टैटिक्स या सैंपल डेटा सेट हमें मिले हैं तो उसका एवेल्यूट द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, एवेल्यूट करेंगे। How likely is it that our hypothesized parameter is correct? To test the validity of our assumptions, we determine the difference between the hypothesized parameter value and sample value. ये आगे चल के अपन लोग कैसे टेस्टिंग करते हैं, कैसे उसको एवेल्यूट करते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके लिए, है ना। तो अभी अपन ने सिर्फ ये समझना है कि हमने जो प्रेडिक्टेड आउटकम्स निकाल रहे हैं, जो हाइपोथेसिस हम लोग निकाल रहे हैं, उसको अवेल उसको उसकी टेस्टिंग हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो वही हम लोग स्टैटिक्स यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिक्स सैंपल डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं, उसको एवेल्यूट कर रहे हैं। एवेल्यूट करने के बाद जो हमारे आउटकम्स आ रहे हैं वो किन हाइपोथेसाइज्ड पैरामीटर्स पर, हाइपोथेसाइज्ड पैरामीटर्स जो होंगे जिस पर हमारे रिजल्ट्स या जिस पर हमारे प्रेडिक्शन प्रेडिक्टेड आउटकम्स डिपेंडेंट होते हैं, वो पैरामीटर्स हमारे करेक्ट होना चाहिए, है ना। उसके बेस पर ही हमारे रिजल्ट्स डिपेंडेंट करेंगे। तो इस तरीके से कुल मिला के हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिए, एक मैंने डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर, जिसमें हम लोग हाइपोथेसिस इज टेस्टिंग। अब अपन जो टेस्टिंग करते हैं, एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक ड्रग का एग्जांपल बता रहा हूँ, एक न्यू ड्रग, जैसे सपोज अपन वैक्सीन का एग्जांपल ले रहे हैं कि जो कोविड वैक्सीन हमारी आई है इस समय मार्केट में, कोविड वैक्सीन इनिशियल स्टेज पर प्राइमरी लेवल पर फर्स्ट वर्जन अवेलेबल है मार्केट में, है ना। जो भी साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने उस पर वर्क किया, उसका जो फॉर्मूला डिसाइड किया, उस पर मतलब एक तरीके से बहुत एनालिसिस उन्होंने किया, और एनालिसिस करने के बाद प्रेडिक्टेड आउटकम्स उनके जो आ गए हैं, है ना। फिर इसके बाद उसको अब मार्केट में, अब लोगों के बीच में, आम पब्लिक के बीच में उसको लगाया जा रहा है, ठीक है ना। कुछ कुछ रिजल्ट्स भी आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, रिजल्ट्स भी आने लगे हैं कि हाँ, अभी आज ही के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि इंग्लैंड में, आप लोगों ने सुना होगा कि इंग्लैंड में कोविड के पेशेंट सबसे ज़्यादा थे, डेथ भी वहाँ, डेथ का रेशियो भी बहुत ज़्यादा था, डेली टू डेली बहुत सारे पेशेंट मिल रहे थे, है ना।
तो उन्होंने एक वैक्सीन, उनकी खुद की वैक्सीन उन्होंने डेवलप की उनके रिसर्च सेंटर में, और वो वैक्सीन लोगों को लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, अब आज जो पेपर में हमने पढ़ा है उस पेपर में ये आया गया आया है कि वहाँ पे अब जो न्यू पेशेंट मिल रहे हैं ना उसका रेशियो बिल्कुल डाउन हो गया है, बहुत कम लोग निकल रहे हैं अब। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई है उस वैक्सीन से रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं कि जो उन्होंने प्रेडिक्शंस लगाए थे है ना, उन्होंने जो अपना मॉडल तैयार किया था, उन्होंने मॉडल तैयार किया यानी मेडिसिन उन्होंने तैयार की, वैक्सीन तैयार की, और उन्होंने उस पर टेस्टिंग करा, उन्होंने मतलब मॉडल तैयार करने के बाद डिफरेंट नंबर ऑफ फेजेस से वो निकलती है, आप लोग जानते हैं, आप लोग इस पेपर में कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं 1 साल से, तो डिफरेंट नंबर ऑफ फेजेस से निकल के उन्होंने एक प्रिडिक्टेड आउटकम्स उनके निकाले, और वो प्रिडिक्टेड आउटकम्स बहुत अच्छे। देखो प्रिडिक्शंस तो हर कोई अच्छा लगा सकता है ना, प्रिडिक्शंस तो सबके ही अच्छे होते हैं। अब प्रिडिक्शंस जो आपने लगाए हैं वो प्रिडिक्शंस एक्चुअल आउटकम से कितने मैच होते हैं इस पर आपका डिपेंड करता है कि आपने जो मॉडल बनाया है या जो आपने वैक्सीन तैयार की है या जो ड्रग आपने तैयार किया है वो आपकी सक्सेसफुल रहेगी नहीं रहेगी। मतलब आपने जो प्रिडिक्शंस लगाए थे और जो एक्चुअल आउटकम्स आपके जो आए हैं उन दोनों में कितना डिफरेंस है ना, तो उन दोनों में डिफरेंस कितना है। अगर वो डिफरेंस नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, तो वो ड्रग हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, देयर इज नो नीड टू मोर रिसर्च ऑन दैट वैक्सीन ऑन दैट ड्रग, उसे आप इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे है ना। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर, और अगर उसमें डिफरेंसेस आते हैं, हमने देखा कि अभी कल के पेपर में मैंने पढ़ा कि इंडिया में एक वैक्सीन एक लेडी को लगाई गई, और वो वैक्सीन लगाने के बाद 20-25 दिन बाद उसे डबल से पॉजिटिव निकला उसका कोरोना। तो ये एक अपने आप में सरप्राइज, ये सरप्राइज ऐसा आया कि जो साइंटिस्ट हैं उनको भी बड़ा सरप्राइज लग रहा है कि दोनों डोज लगने के बाद भी उस लेडी को कैसे आई। तो एक रिजल्ट, अनप्रिडिक्टेड रिजल्ट उनके पास आया। अब ये जो अनप्रिडिक्टेड रिजल्ट है, ये रिजल्ट एक जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस ड्रग को बनाया है उनको एक अपने आप में सरप्राइज है। अब ये देखना होगा कि एक रिजल्ट आया, उन्होंने ये तो नहीं बोला था प्रेडिक्टेड आउटकम में कि 100% लोग, जितने लोगों को वैक्सीन लगेगा उन्हें कभी कोरोना होगा ही नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने 70% 80% बोल के रखा हुआ कि 70-80% तक लोगों के लिए प्रिवेंट करेगा है ना। तो अब 1% का आया, ऐसे ही अगर 1, 2, 3 का आता है तो देर इज नो क्वेश्चन मार्क ऑन दैट वैक्सीन। ओके, अगर उस पे ज्यादा पेशेंट निकलते हैं पॉजिटिव, अगर ज्यादा लोग आते हैं आफ्टर डो जो डोज, दोनों डोज देने के बाद भी अगर उसके रिजल्ट्स फिर वो डबल से वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि यार ये दिस इज नॉट बिलीवेबल कि इन्होंने जो प्रेडिक्शंस लगाए थे उसके अकॉर्डिंग उसके आउटपुट्स नहीं आ रहे हैं, तो वो ड्रग फेल हो जाएगी। और अगर बहुत कम, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया है उसके हिसाब से अगर आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है ना, वो एक्सेप्टेबल है वो ड्रग। तो यहाँ पर हम हाइपोथेसिस इज टेस्टिंग पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल इसलिए बताए हैं कि हम लोग जो हाइपोथेसिस हमने जो प्रेडिक्शंस लगाए हैं उसमें 2 टाइप की टेस्टिंग होती है। एक होती है नल हाइपोथेसिस जिसको H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसे H A से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टरनेटिव H हाइपोथेसिस H को रिप्रेजेंट करता है और A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्टरनेटिव। तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया और ये नल हाइपोथेसिस है ना। तो अभी इसको 2 टाइप से डिफाइन किया हुआ, जस्ट मैं आपको रीड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो हमने ड्रग हाइपोथेसिस के बारे में अभी जस्ट डिस्कस किया था वैक्सीन के लिए, उसमें नल हाइपोथेसिस क्या होगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा। देखिए इसको पढ़ते हैं अपन पहले। स्टेट द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ द पैरामीटर बिफोर सैंपलिंग द एजम्पशंस वी विश टू टेस्ट, ओके, और द एजम्पशंस वी आर ट्राइंग टू रिजेक्ट। पॉपुलेशन मीन म्यू इज इक्वल टू 20,
देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कॉक एंड डाइट कॉक. अब इधर देखिए, ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव अदर देन द नल हाइपोथेसिस, ठीक है ना. अब देखिए कि अब इसमें टू टाइप्स की हाइपोथेसिस आ रही है. नल हाइपोथेसिस कब होगी हमारे ड्रग के एग्जांपल में, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी. अगर आप के पास एक ड्रग है, उस ड्रग पे आपने काम किया, आपने ड्रग के प्रेडिक्टेड आउटकम्स आ रहे हैं, फिर आप ऐसा लगता है ना कि मार्केट में एक ड्रग आई और उस ड्रग के बाद दूसरी ड्रग के लिए भी काम चल रहा है, न्यू मेडिसिन आ रही है. देखिए पहले नल हाइपोथेसिस के पहले डेफिनेशन पढ़िए, देन अपन उसके एग्जांपल को लेके चलते हैं, है ना. तो द नल हाइपोथेसिस एच जीरो से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अ थ्योरी दैट हैज बीन पुट फॉरवर्ड आइदर बिकॉज इट इज बिलीव टू बी ट्रू और बिकॉज इट इज यूज टू एज अ बेसिस फॉर एन आर्ग्यूमेंट एंड हैज नॉट प्रूवन. फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ अ न्यू ड्रग द नल हाइपोथेसिस माइट बी दैट द न्यू ड्रग इज नो बेटर ऑन द एवरेज देन द करेंट ड्रग. देखिए अब मैं आपको उस वैक्सीन का एग्जाम्पल देता हूँ कि एक वैक्सीन आई है ना, जिसमें ये प्रूफ ये प्रिडिक्शन था, उसका हाइपोथेसिस ये था कि वी विल प्रिवेंट अबाउट 70%, हमारी वैक्सीन 70% तक का रिजल्ट देगी, मतलब हम 70% लोगों को प्रोटेक्ट कर लेंगे, 30% को हो सकता है. और अब ऐसा लगा कि यार ये इससे भी अच्छी हमको वैक्सीन बनानी चाहिए, तो साइंटिस्ट ने और भी काम किया उसके लिए. हम सोच रहे हैं कि हम 100% तक ही क्यों नहीं बना सकते, जिसको ड्रग लग जाए वो बच जाए 100%. तो और भी काम चला. काम चलने के बाद एक न्यू ड्रग मार्केट में आया, है ना. अब प्रीवियस जो ड्रग था, प्रीवियस वर्जन ऑफ ड्रग जो था, वो 70% प्रोटेक्शन के लिए प्रूफ कर रहा था अपने आप को, और नया ड्रग ने बोला कि हम 100% प्रोटेक्ट करेंगे. क्लियर. अब नया ड्रग लोगों में लगाया गया, है ना, न्यू वैक्सीन लगाई गई, और उसके रिजल्ट अगर वही 70-80% के पास 70% 75% तक आ रहे हैं, तो क्या हुआ कि सेकंड जो ड्रग थी वो फेल हो गई, सेकंड वैक्सीन आपकी फेल हो गई. क्योंकि हम क्यों, व्हाई वी यूज द सेकंड ड्रग, व्हाई वी उस ड्रग पर हम बिलीव कैसे करें, क्योंकि उसने बोला था 100% लेकिन आई 70% के आसपास, जबकि पहले वाली ड्रग जो चल रही थी, पहले वाली वैक्सीन भी थी, वो भी 70% रिजल्ट ही हमको दे रही थी. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि देयर इज नो एनी इम्प्रूवमेंट, उस ड्रग पर किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो एक तरीके से सेकंड वाली ड्रग को हम डिस्कार्ड कर देंगे. और यहाँ जो हाइपोथेसिस होगा, दैट इज कॉल्ड द नल हाइपोथेसिस. क्या बोलेंगे उसको अपन, नल हाइपोथेसिस बोलेंगे उस हाइपोथेसिस की जो हमने उसके प्रेडिक्शंस लगाए थे, उस प्रेडिक्शंस में वो फेल हो गई, और पुरानी वाली को ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना. तो इसको लिखेंगे एच जीरो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू ड्रग ऑन एन एवरेज. क्लियर. तो इसे बोलेंगे अपन नल हाइपोथेसिस. ओके, नाउ वी कम्स टू द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ द, ये जस्ट अपोजिट ऑफ द नल हाइपोथेसिस, जस्ट उल्टा कर दो. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के केस में क्या हो रहा है कि हम ये देखेंगे कि यार हमारी जो पुरानी वाली जो ड्रग थी वो 70% हमें प्रिवेंट कर रही थी, अब हम ये चाहते हैं कि यार हमें 100% के लिए हम काम कर रहे हैं. ओके, तो अब वो सेकंड वाली जो हाइपोथेसिस, सेकंड वाली जो मॉडल, सेकंड वाली जो ड्रग हमने मार्केट में लेके आया, वो भी फेल हो गई. फिर हम देखेंगे यार और कुछ और वर्क करें, कुछ और इम्प्रूवमेंट के साथ, उसके फॉर्मूले में चेंज करेंगे, उस पर उसका कंपोजिशन चेंज करेंगे, सारी चीज़ें हम ट्राई कर रहे हैं उसके लिए, है ना. कुछ ट्राई करने के बाद फिर दूसरा आपने कोई अल्टरनेट ढूंढा, उसका कुछ और करके देखा, वो भी फेल हो गया, फिर कुछ और करके देखा, वो भी फेल हो गया. इस तरह से हम क्या कर रहे हैं उसके लिए अल्टरनेट गेसिंग कर रहे हैं, अल्टरनेट टारगेट डिसाइड कर रहे हैं. मतलब वो हम जहाँ हम सक्सेस नहीं हुए उसे बार बार हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कुछ और दूसरा इसका सॉल्यूशन निकले, इस पर कुछ और हम काम करें. तो दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना. तो इट इज अ, देखिए अब इसको पढ़िए आप. द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच ए से रिप्रेजेंट करते हैं इज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट अ स्टैटिकल हाइपोथेसिस टेस्ट इज सेट अप टू एस्टेब्लिश. फॉर एग्जांपल इन द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ अ न्यू ड्रग
द अल्टरनेट हाइपोथेसिस माइट बी दैट द न्यू ड्रग हैज अ डिफरेंट इफेक्ट ओके ऑन एवरेज कंपेयर टू दैट ऑफ द करेंट ड्रग वी वुड राइट है ना. अगर हम अलग अलग उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं और जैसा हम चाह रहे थे वैसे नहीं आ रहे मतलब, तो हम कोई दूसरा ऑप्शन अगर ढूंढ रहे हैं, कोई अल्टरनेटिव दूसरा अल्टरनेट अगर अपन ढूंढ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ठीक है ना. तो एच ए द टू ड्रग हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन एवरेज और एच ए द न्यू ड्रग इज द बेटर देन द करेंट ड्रग ओके ऑन एवरेज. तो इस तरीके से अपन एच ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट में क्या करेंगे अपन, रिजेक्ट एच जीरो इन फेवर ऑफ एच ए और डोंट रिजेक्ट एच जीरो. तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस में टेस्टिंग में हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं, है ना. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन लोगों ने क्या देखा कि व्हाट इज द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होती है, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स, देन वी डिस्कस अबाउट द हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड आई एक्सप्लेन टू सम एग्जाम्पल्स फॉर द टेस्टिंग के लिए. हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए नल हाइपोथेसिस होता है एक एच जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपन एच ए से रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स अपन लोगों ने देखे, उसकी डेफिनेशंस अपन लोगों ने देखी. तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, दिस इज वेरी यूजफुल टू यू ओके.